गुड मॉर्निंग डियर स्टूडेंट, मैं आपको प्रोजेक्शन ऑफ पॉइंट का क्वेश्चन नंबर 8 कराऊंगा। ये क्वेश्चन नंबर 8 है, ये प्रॉब्लम नंबर 15 आप भूल जाइए, ये बुक का है, लेकिन क्वेश्चन नंबर 8 जो हम आपको सिखा रहे हैं उस हिसाब से मैं अलग क्वेश्चन नंबर दिया हूँ, क्वेश्चन नंबर 8 लिख दिया हूँ। प्रोजेक्शन ऑफ पॉइंट का है, तो 2 पॉइंट्स ए एंड बी है, 2 पॉइंट ए बी, कहाँ बोल रहा है, वीपी में है, 2 पॉइंट कहाँ है, वीपी में है, ठीक है, वीपी में से बता रहा है कितना है, ऊपर नीचे कुछ नहीं बता रहा है। द पॉइंट ए इज 30 mm AFHP, वेल द पॉइंट बी इज बिलो द HP। पॉइंट ए 30 mm AFHP है, वीपी में है और 30 mm AFHP है। पॉइंट बी के बारे में बोला जा रहा है कि वो वीपी में है, लेकिन कहाँ है, बिलो HP, बिलो HP में कहाँ है किसी को पता नहीं, लेकिन बिलो कितना है दूरी पे किसी को पता नहीं। डिस्टेंस बिटवीन प्रोजेक्टर ए एंड बी, पॉइंट ए और बी का दूरी है 50 mm, एंड द लाइन ज्वाइनिंग देयर फ्रंट व्यू, जो लाइन फ्रंट व्यू को जो फ्रंट व्यू को फ्रंट व्यू से मिलाता है उसका एंगल कितना है, 45 विथ रेफरेंस लाइन, किससे, रेफरेंस लाइन से 45 degrees है। ड्रॉ द प्रोजेक्शन ऑफ लाइन ए बी, प्रोजेक्शन ऑफ लाइन ए बी, एंड हेंस फाइंड द डिस्टेंस ऑफ पॉइंट बी बिलो द HP। पॉइंट बी जो है बिलो HP कितना होगा किसी को पता नहीं, उसी को फाइंड आउट करना है। ये क्वेश्चन 2013 में और 2009 एनुअल एग्जाम में पूछ चुका है। आइए, हमने डाटा लिख रखा है क्वेश्चन नंबर 8 का, पॉइंट ए है 30 इन वीपी, ए कहाँ है, वीपी में है, वीपी में कहाँ है किसी को पता नहीं, एंड 30 mm AFHP, वीपी में है और 30 mm AFHP है, देखिए वीपी में है, वीपी में यहाँ से लेकर यहाँ कहीं नहीं हो सकता है, लेकिन मतलब 30 mm AFHP है, तो चलो यहाँ 30 mm AFHP, ये पॉइंट ए का पता है। पॉइंट बी के बारे में बोल रहा है इन वीपी, यहाँ से लेके यहाँ वीपी में कहीं पे है, लेकिन कहाँ पे किसी को पता नहीं, साथ साथ क्या बोला जा रहा है, बिलो एचपी बोला जा रहा है। पॉइंट बी के बारे में देखिए, वीपी में है लेकिन बिलो एचपी, वीपी में है बिलो एचपी, यहाँ से एचपी के नीचे यहाँ से यहाँ कहीं भी हो सकता है, किसी को पता नहीं है। ओके, प्रोजेक्टर्स ए एंड बी आर 45 mm अपार्ट, ए से बी का दूरी 45 mm अपार्ट है, एंड द लाइनिंग जो अंडर फ्रंट व्यू मेक्स एन एंगल 45 degrees, लाइन जो है फ्रंट व्यू को जो मिलता है उसका 45 degrees है। ड्रॉ द प्रोजेक्शन ऑफ लाइन ए बी, हेंस फाइंड डिस्टेंस ऑफ पॉइंट बिलो द, पॉइंट बी जो होगा बिलो HP में कितना कहाँ पे होगा वो हमको फाइंड आउट करना है। तो आगे सबसे पहले पॉइंट के बारे में, ए के बारे में पता लगा लिए, तो 30 mm VP है, 30 mm AFHP है, तो फ्रंट व्यू इसका यहाँ बना ए डैश, टॉप व्यू यहाँ बना, टॉप भी यहाँ बना, तो इस तरह से देखिए एक्सिस लाइन के ऊपर ये ए डैश और ये ए हो गया, और यहाँ से यहाँ का दूरी 30 है, एक्सिस लाइन जाइए बनाइए। इस तरह से हम लोगों ने एक्सिस लाइन को बना लिया, एक्स एक्स या एक्स बाई जो भी बोलिए, पॉइंट ए 30 ऊपर होगा पॉइंट के लिए, और ये लाइन के लिए 4H, हमारा ये ए डैश और ये ए, पॉइंट जैसे ही मिला आपको क्या लेंगे, लोकस लाइन लेंगे, क्या लेंगे, लोकस लाइन ले लेंगे, ये 30 है, ये कितना है 30 है, इसको आपको दिखा दीजिए 30, ओके, ये टॉप भी हो गई है, फ्रंट भी हो गया। पॉइंट बी के बारे में बोल रहा है इन वीपी और बिलो एचपी, वीपी बिलो एचपी कहाँ पे होगा, यहाँ से लेके यहाँ तक पता नहीं किसी को। ए और बी के बारे में दूरी कितना दिया हो, 50 mm, कितना दिया, 50 mm, 50 mm का दूरी लीजिए, मीन्स यहाँ हमें समझिए, तो ए बी डैश और बी पता नहीं, पता करना है। ओके, यहाँ से यहाँ का दूरी कितना, 50 mm, 50 mm आर्क ले लीजिए, 50 mm,
क्वेश्चन में एक बात और बोला जा रहा है कि फ्रंट व्यू को फ्रंट व्यू से जो मिलाएगा उसका एंगल कितना है, 45 डिग्री है। मीन्स फ्रंट व्यू मेक्स एन एंगल 45 डिग्री विद एक्स। मीन्स ये आप समझेंगे फ्रंट व्यू, उसको हम ए डैश बी डैश के नाम से जानेंगे, मेक्स एन एंगल 45 डिग्री विद एक्स बाई। एक्स बाई ये रेफरेंस लाइन से कितना डिग्री बनाएगा, 45 डिग्री बनाएगा। 45 डिग्री कैसे मेजरमेंट करेंगे, अगर आप यहाँ से 45 मेजरमेंट करके बनाते हो इस तरह, तो ये 45 डिग्री होगा तो ये भी डिग्री कितना होगा, 45 डिग्री होगा। इस तरह से आप अगर देखो तो ये 45 डिग्री है तो ये 45 डिग्री होगा, ये 45 ये 55 डिग्री। तो यहाँ पर हम लोग एंगल 45 डिग्री यहाँ पे बनाए, एक्सिस से यहाँ बनाए, यहाँ कोई पता नहीं। सबसे पहले हम लोग क्या करेंगे, सबसे पहले एक यहाँ पे हम लोग लोकस लाइन ले लेंगे बिल्कुल एक्स बाई लाइन के पैरेलल, ले लिया। अब यहाँ से यहाँ 45 डिग्री मेजरमेंट करेंगे, 45 डिग्री मेजरमेंट करेंगे तो ये हमारा 45 डिग्री यहाँ पे आया। अब इस तरीके से हम दोनों लाइन को बढ़ा के बहुत दूर तक ले जाएंगे, ठीक है, बढ़ा के बहुत दूर तक ले जाएंगे। ये हमारा 45 डिग्री है तो ये भी कितना हो जाएगा, देखिए ये 45 डिग्री अल्टरनेट एंगल इक्वल। तो इस तरह से ये एक्स बाई लाइन से 45 डिग्री मिल गया। यहाँ से ए से बी का दूरी है 50, जो हमने ऑलरेडी मेजरमेंट कर रखा था, देखिए 50 है। अब इसी के पैरेलल नीचे ड्रॉ करेंगे और जहाँ पे वो लाइन को कट करेगा वहीं पे हमारा ये पॉइंट मिल जाएगा, ये पॉइंट हमारा हो जाएगा बी डैश, क्या हो जाएगा बी डैश, और ये पॉइंट क्या हो जाएगा बी, क्योंकि हो जाएगा ए से बी का दूरी 50 mm, ए से बी का दूरी हमें 50 mm ऑलरेडी दे रखा था, ए से बी का दूरी हमें 50 mm ऑलरेडी दे रखा था, ए से बी का 50 mm, और यहाँ से आप 45 डिग्री लीजिए, इसको कट दूर तक लेके जहाँ पर, तो ये हमारा बी डैश और ये बी। इस तरह से इसको मेजरमेंट करना है, इसको मेजरमेंट कीजिए तो हमें 25 में मिल रहा है, कितना मिल रहा है इससे, यहाँ क्या डिस्टेंस में मेजरमेंट 25 मिल रहा है, तो जो 25 हो जाएगा जितना मेजरमेंट होगा वो लिख देंगे आप। अब बोल रहा है फ्रंट व्यू से, फ्रंट व्यू का जो दूरी है वो उस वो ही पूछ रहा है, तो फ्रंट व्यू का दूरी फ्रंट व्यू का दूरी 75 mm है, तो हमें बी जो है 25 mm बिलो एच पी मिला, यानी इन वी पी 25 mm बिलो एच पी होगा। इस तरह से हम लोग फाइंड कर लिए, ओके। इस तरह से देखिए हम लोग को पॉइंट पता भी नहीं रहेगा तो पॉइंट का लोकेशन पता कर सकते हैं, ओके।